बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वायनाड पहुंच गए हैं। प्रियंका राहुल इस वक्त वायनाड में लैंडस्लाइड से प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर रहे हैं। केरल के वायनाड में तेज बारिश के बाद लैंडस्लाइड से अब तक 276 लोगों की मौत हो चुकी है, 100 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती है, 250 लोग लापता है। पिछले दो दिन में करीब 1592 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रभावित परिवारों के बीच में हैं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी। वायनाड से सांसद है राहुल गांधी और कल वो पहले जाने वाले थे लेकिन मौसम खराब था, इस वजह से उनके विमान को लैंड करने की अनुमति नहीं थी। अब वो पहुंचे हैं, देखिए प्रभावित परिवारों से मिल रहे हैं क्योंकि इस वक्त केरल में सबसे बड़ा संकट है और अगले 36 घंटे काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है, 1500 से ज्यादा लोगों का अभी तक रेस्क्यू किया गया है, 276 लोगों की मौत हुई है। जो लैंडस्लाइड की घटना हुई है उससे दो गांवों का नामो निशान मिट चुका है। बड़ा खतरा इस वक्त केरल के लिए है। ऐसे में एक सांसद के तौर पर, एक जनप्रतिनिधि के तौर पर राहुल गांधी यहां पर पहुंचे हैं, अपनी बहन के साथ पहुंचे हैं, परिवारों से मिल रहे हैं, उनके दर्द को सुन रहे हैं क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जिनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। कई लोगों का अपना मकान, उनकी जमा पूंजी सब कुछ इस मौसम में बह गया है और ऐसे में सेना की भी मदद वहां पर ली जा रही है क्योंकि सेना ने एक अस्थायी पुल तैयार किया है। ये तस्वीरें आप देखिए और इस पर ये बयान भी आ रहे हैं। आप देखिए कि इस वक्त राहुल गांधी पीड़ित परिवारों के साथ हैं तो मौसम विभाग ने आज भी वायनाड में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। डिजास्टर मैनेजमेंट टीम ने कुछ स्थानों पर भूस्खलन की संभावना जाहिर की है। इस बीच आज केरल के सीएम वायनाड में हालात का जायजा लेने पहुंचे, ऑल पार्टी मीटिंग की। इसके साथ ही राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी वायनाड पहुंच गए हैं। राहुल, प्रियंका राहत शिविरों के बाद अस्पताल पहुंचकर प्रभावितों से मुलाकात कर रहे हैं। तीन तस्वीरें आपके सामने हैं। बारिश का आज भी रेड अलर्ट है, रेड अलर्ट गंभीर यहां पर संकट है। वायनाड में केरल के सीएम ने हालात का जायजा लिया, ऑल पार्टी मीटिंग की और यह कहा कि यह वक्त राजनीति का नहीं है क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ा संकट है, कुदरत की मार है। ऐसे में सबको साथ मिलकर काम करना होगा। This NDRF are here, and two columns of DSE here already. Two columns, six helicopters are here yesterday, and one Navy helicopter is here. They are dropping foods because some people they are without connection. They are Prime Minister declared the compensation 2 lakh rupees from a center for the relatives of the dead. तो वायनाड में प्रभावितों की मदद के लिए केंद्र ने मृतकों के परिवारों को 2-2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए के मुआवजे का ऐलान किया। केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन को आपने सुना, जिन्होंने हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन ने बताया कि वो पीएमओ के लगातार संपर्क में हैं और हालात पर अपडेट भी दे रहे हैं। तो ये तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त वायनाड में सबसे बड़ा संकट है। 200 lives have been lost, but there are still another 200 people who are missing. Two villages have disappeared off the map. It's a very serious crisis. So I think we have to appreciate the value of trying to do this on a priority basis. See what you can, who you can save, and if you can't save, at least get their bodies out from this horrendous, horrendous catastrophe. Then you can look at the politics. As you, all of these things can be disputed later. Eventually, accountability is required, and further preventive measures are required. शशि थरूर को आपने सुना, उन्होंने कहा कि राजनीति नहीं होनी चाहिए। वायनाड हादसे पर अब सियासत भी शुरू हो चुकी है। कल संसद में गृहमंत्री के जवाब के बाद विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। अमित शाह ने यह भी दावा किया कि उन्होंने रडार वार्निंग दी थी, उन्होंने रेड अलर्ट दिया था, वो भी झूठा साबित हुआ है। तेजस्वी सूर्या जी आते हैं बेंगलुरु साउथ से, जब वहां पर कर्नाटका में बारिश होती है बेंगलुरु साउथ में, वो खुद गायब रहते हैं। कभी आपने कोई रिलीफ रेस्क्यू वर्क करते हुए उनको देखा नहीं होगा, उन्हीं की कॉन्स्टिट्यूंसी से रहा होगा जहाँ पे गाड़ी के डूबने से 4 लोगों की मौत हो गई थी। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को जो प्रवक्ता रखते हैं, जो वक्ता रखते हैं पार्लियामेंट में, ये ध्यान रखना होगा कि एक सेंसिटिव मुद्दा है, ये इन्वायरमेंट रिलेटेड मुद्दा है, ये क्लाइमेट चेंज रिलेटेड मुद्दा है। गृहमंत्री जी के बाद आपने संभवतः केरला के सीएम का बयान नहीं देखा, उन्होंने चिट्ठी लिखी है कि मुझे ऐसी कोई वार्निंग नहीं मिली थी। बहरहाल, ये कल भी मैंने सदन में कहा था कि ट्रेजेडीज शुड यूनाइट अस। हम ट्रेजेडी में भी आजकल एक तरह के समवेत स्वर में नहीं बात करते हैं, राजनीति हावी हो जाती है। आज हैंड होल्डिंग का है, केंद्र और राज्य सरकार हैंड होल्डिंग करके लोगों को रेस्क्यू रिहैबिलिटेशन के प्लान में ले जाए।
वायनाड के हालात पर केरल की हेल्थ मिनिस्टर ने बताया कि सरकार लोगों की मदद के लिए लगातार प्रयास कर रही है। सीएम खुद हालात का जायजा लेने के लिए वायनाड पहुंचे हैं। हेल्थ मिनिस्टर वीना जॉर्ज ने कहा कि जो लोग लापता हैं, उन्हें तलाशने की कोशिश लगातार हो रही है। सच ए अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट एंड द पीपल दे आर गोइंग थ्रू ए ह्यूज मेंटल ट्रॉमा. So our government has done everything and Honorable CM has asked for the support of army and we were provided with the support of army, air force and more than 1300 army personnel are there today. So we have, they have built that bridge and so we'll be moving more machines to this particular place and so we are hoping that we can find more people who are in the missing list. हिमाचल प्रदेश में तबाही का आलम जारी है। कई जिलों में बादल फटने से हालात बिगड़ गए हैं। शिमला में बादल फटने से 50 लोग लापता हैं। कुल्लू में बादल फटने से पावर प्रोजेक्ट में तबाही मची हुई है, 7 लोग लापता हैं। चंबा की बात करें, भारी बारिश के बाद बादल फटने से हालात बिगड़ गए हैं। घरों में मलबा घुस गया है तो कई वाहन मलबे की चपेट में है। कुल्लू में ही देखते देखते इमारत नदी के तेज बहाव में समा गई। 4 तस्वीरें आपके सामने हैं और सिर्फ ये तबाही की तस्वीरें हैं। कुदरत के खौफनाक मंजर की ये तस्वीरें हैं। 32 लोग लापता हैं। कुल्लू में बादल फटता है, पावर प्रोजेक्ट तबाह हो जाता है, इमारत ताश के पत्ते की तरह ढह गई। लोग बेबस नजर आए, चीख पुकार मच गई, लेकिन लोग कुछ भी नहीं कर पाए। अभी तो अगस्त की शुरुआत हुई है, 1 अगस्त है, लेकिन हिमाचल में ऐसा मौसम अगले 2 दिन तक बना रहेगा। पिछले साल भी हमने देखा कि हिमाचल में जो तबाही मची उसने कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ा और इस बार भी आसमानी आफत के आगे सब कुछ तबाह होता हुआ नजर आ रहा है। शिमला के रामपुर की बात करें, बादल फटने का मामला सामने आता है। हाइड्रो प्रोजेक्ट के नजदीक बादल फटने से 50 लोगों की लापता होने की खबर है। स्थानीय प्रशासन, रेस्क्यू टीम लोगों को बाहर निकालने में जुटी है। ITBP स्पेशल होमगार्ड की टुकड़ी भी रेस्क्यू दल में शामिल है। लापता लोगों की खोज हो रही है, लेकिन अभी तक कोई अच्छी खबर सामने नहीं आई है। 50 लोग हैं जिनके अपने इस वक्त लापता हैं, उनको खोजने की कोशिश कर रहे हैं। रेस्क्यू टीमें लगातार जुटी हुई हैं। SDRF की टीमें हैं, NDRF की टीमें हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सेना भी वहां पर राहत बचाव के काम में जुटी हुई है। प्रशासनिक अमला है और बहुत मुश्किल होता है क्योंकि शिमला वैसे भी पहाड़ी राज्य है, जीवन आसान नहीं है। ऊपर से बारिश का मौसम, लैंडस्लाइड की घटनाएं काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन इस वक्त जो तस्वीरें सामने आ रही है, जो मुख्यमंत्री सुक्खू ने हाई लेवल मीटिंग की है, हालात बेकाबू होते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में लोगों के सहयोग की भी ज़रूरत है कि जब ज़रूरी ना हो तो लोग घरों से ना निकले, खासकर नदी के पास या नालों के पास ना जाएं। हिमाचल प्रदेश में मॉनसून की बारिश ने कहर ढाया हुआ है। कुल्लू की मणिकर्ण में मलाड़ा गांव में पावर प्रोजेक्ट का डैम टूटा। डैम टूटने से घाटी में बाढ़ आ गई, जिसके बाद से हाहाकार मचा हुआ है। डैम के टूटने के वक्त का वीडियो वायरल है, जिसमें एक शख्स चिल्ला चिल्लाकर डैम के टूटने की बात कर रहा है। न्यूज 18 इंडिया वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन ये आप देखिए कि जैसे कुदरत सब कुछ लील लेने पर आमादा है, ये पानी अपने साथ सब कुछ बहा कर ले जाना चाहता है। और हुआ भी यही, हमने देखा कि इमारत जो सालों की मेहनत थी, पाई पाई करके चीजें जोड़ी जाती हैं, सब कुछ तबाह हो रहा है। और ये रौद्र रूप पानी का ये लोगों को डरा रहा है। लोग खौफ में हैं, करें तो करें क्या, जाएं तो जाएं कहाँ। सबसे मुश्किल होता है अपना घर छोड़ना और फिर किसी ऐसे इलाके में जाना जो अनजान हो, लेकिन जब बात जिंदगी पर बनाती है तो ये करना पड़ता है। आप देखिए ये कैसे जो पूरा प्रोजेक्ट था वो इसमें तबाह हो गया, क्योंकि डैम का पानी ओवरफ्लो हो गया था।